राजधानी लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई में 25,000 के इनामी बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी, इससे वो घायल होकर रोड पर गिर पड़ा। इसके बाद पुलिस टीम ने उसे दबोच लिया। ये मुठभेड़ गोमती नगर विस्तार थाना क्षेत्र स्थित सहारा हॉस्पिटल के पीछे पिपरा घाट अंडरपास के पास की है। बदमाश को ट्रामा सेंटर में इलाज के लिए भेजा गया है। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने पुलिस टीम को 25,000 का इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस के मुताबिक जनेश्वर गेट नंबर 6 के पीछे सहारा हॉस्पिटल के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि पिपरा घाट अंडरपास के पास कुछ बाइक सवार बदमाश किसी घटना को अंजाम देने वाले हैं, जिस पर पुलिस ने उस जगह पर घेराबंदी की। तभी बाइक सवार दो बदमाश आते दिखे, जिसमें राम सनेही लोनिया भी नजर आया, जो गोमती नगर थाने से वांछित है। उस पर 25,000 का इनाम भी है। पुलिस ने उसको रोकना चाहा तो बदमाशों ने पुलिस पर फायर झोंक दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में राम सनेही घायल हो गया, जिसको पुलिस अभिरक्षा में ट्रामा सेंटर भेजा गया। वहीं पकड़े गए बदमाश का दूसरा साथी भाग निकला। पुलिस ने बदमाश के पास से 32 बोर की पिस्टल व एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पकड़ा गया बदमाश सीतापुर का रहने वाला है। वो गोमती नगर थाने से लूट के मुकदमे में वांछित चल रहा था। वहीं फरार बदमाश की तलाश में 6 टीमें लगाई गई हैं। सर, आज कमिश्नरेट पुलिस के मुठभेड़ हुई है, किस बदमाश को गोली लगी, क्या घटना रही है? कमिश्नर पुलिस ये गोमती नगर वाला एरिया है, जहाँ पे गोमती नगर की पुलिस टीम को सूचना थी कि कुछ बदमाश यहाँ पे आ सकते घटना को कारित करने के लिए। गोमती नगर पुलिस ने अपनी नाकाबंदी करके चेकिंग कर रहे थे, तभी दो व्यक्ति जो है बाइक से चल रहे थे। पुलिस ने उसको रोकने के लिए बोला, उन्होंने रुके नहीं। इनफैक्ट जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो पुलिस के ऊपर उन्होंने फायर कर दिया। इस फायर में आत्मरक्षा हेतु पुलिस ने कंट्रोल फायर किया और उसमें एक व्यक्ति को गोली लगी। बाद में ये आइडेंटिफाई हुआ, ये व्यक्ति का नाम राम सनेही है, सीतापुर का है। इसके अच्छी खासी लंबी चौड़ी आपराधिक इतिहास है। इनफैक्ट इसी थाना क्षेत्र से ये एक मुकदमे वांछित भी है। दूसरी जो क्रिमिनल है उसके लिए टीम लगी हुई है। अभी जो है जो फर्स्ट जिसको गोली लगी है उसको इमीडिएट मेडिकल उपचार के लिए भेजा गया है। सर, जो आरोपी पुलिस को चकमा देके भाग गया, क्या उसकी तलाश की जा रही है? जैसा मैं बोला, उसके लिए लगातार कॉम्बिंग चल रही है। 6 टीम लगी हुई है और बहुत जल्दी ही है वो भी गिरफ्तार हो जाएगा। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।